भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने नए वर्ष में अपना पहला उपग्रह GSAT-30 प्रक्षेपित कर दिया है। ये प्रक्षेपण फ्रांस में फ्रेंच गुयाना के एरियर प्रक्षेपण परिसर से किया गया। 17 जनवरी को भारतीय समय अनुसार सुबह 2:35 पर एरियन 5 रॉकेट ने GSAT-30 के साथ उड़ान भरी। GSAT-30 spacecraft is a high-power communication satellite. It will replace the aging INSAT-4A spacecraft. The satellite is based on ISRO's standard I-3K satellite bus and will provide 12 normal C-band and 12 Ku-band transponders. 3,357 किलोग्राम का GSAT-30 भारत का उन्नत दूरसंचार उपग्रह है, जो पुराने उपग्रह INSAT-4A की जगह लेगा। GSAT-30 की कवरेज क्षमता ज्यादा होगी, जो KU बैंड में संपूर्ण भारत और द्वीप तथा सी बैंड में खाड़ी देशों, बहुत सारे एशियाई मुल्कों और ऑस्ट्रेलिया को कवरेज प्रदान करेगा। इसरो के मुताबिक GSAT-30 के संचार पेलोड को अधिकतम ट्रांसपोंडर लगाने के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है, जिनका उपयोग व्यापक रूप से VSAT नेटवर्क, टेलीविजन अपलिंकिंग, टेलीपोर्ट सेवाएं, डिजिटल सैटेलाइट खबर संग्रहण, DTH टेलीविजन सेवाओं आदि के लिए किया जाएगा और ये अगले 15 साल से ज्यादा समय तक काम करता रहेगा। इससे देश में इंटरनेट सेवाओं, बैंकिंग और दूरसंचार सेवाओं में काफी तेजी आएगी।